आज जो है हमारे पास बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक है और इस कोल्ड ड्रिंक के साथ आज हम जो है बाइक पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। बाइक में जो है हम ये सारा कोल्ड ड्रिंक डाल के देखेंगे हमारा बाइक चलता है कि नहीं चलता है, क्या ये सारे कोल्ड ड्रिंक में से किसी भी कोल्ड ड्रिंक पे हमारा बाइक चल पाएगा। इसमें भी स्प्राइट हो, थम्सअप हो, एफपी है और साथ में स्टिंग है, ये सब में भी है। कुछ कुछ जो है अल्कोहल का परसेंटेज होता है, जिससे जो है हम अपना बाइक को चलाने का कोशिश करेंगे और स्टार्ट करने का कोशिश करते देखते हैं किसी भी कोल्ड ड्रिंक से हमारा बाइक चल पाता है कि नहीं चल पाता है। तो गाइस सबसे पहले जो है हम पेट्रोल निकाल लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है हमारे बाइक में। यहाँ से जो है पेट्रोल खोलते हैं और सारा जो है पेट्रोल यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये देखिए पेट्रोल निकल रहा है, सारा पेट्रोल अभी जो फटाफट से निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है हम अपने बाइक में जो है कोल्ड ड्रिंक डालेंगे अलग अलग तरह का और ट्राई करेंगे हम अपने बाइक को स्टार्ट करने का, देखते हैं क्या हो पाता है, ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखिए सारा पेट्रोल जो भी बाइक में था, थोड़ा बहुत हम कम पेट्रोल डाले हुए थे शुरू में ही, सारा पेट्रोल निकल गया। ये देखिए चूरा है और गाड़ी रिजर्व में है, ऊपर भी करते हैं तो तेल नहीं आ रहा है और इधर साइड से भी तेल नहीं आ रहा है, जो थोड़ा बहुत है वो चूरा है, धीरे धीरे चुने देते हैं, अपने आप ख़त्म हो जाएगा और फिर जो है स्टार्ट करके जो है हम थोड़ा बहुत जो भी है वो निकाल देते हैं, जितना भी तेल है उसको ख़त्म कर देते हैं स्टार्ट करके। जो भी पेट्रोल था वो खत्म हो चुका है, आप देखिए स्टार्ट करने से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये देखिए स्टार्ट हो रहा है अब स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम अपने बाइक में डालने वाले हैं ये स्टिंग, सारा जो है तेल जलाने के बाद हम जो है अपने बाइक का यहाँ पे जो है ये फ्यूल जो है फ्यूल पाइप लगा देते हैं। ये देखिए पूरा फ्यूल जो है खत्म हो चुका है, अब जो है फ्यूल पाइप लगा देते हैं ताकि जो है इंजन में आराम से। तो गाइज कोल्ड ड्रिंक ट्राई करने से पहले जो है सभी में जो है हम आइसोप्रोपाइल देंगे, इसमें 95% जो अल्कोहल होता है, इसको देसी दारू बोलते हैं और ये भी जो है बहुत ही नशीला होता है, लेकिन इसमें जो है 95% तक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, ऐसा कुछ भी आप जो है ट्राई करने का कोशिश ना करें। और सबसे पहले जो है हम यही डालेंगे सारा कोल्ड ड्रिंक के साथ, ये मिक्स होने के बाद जो है थोड़ा इग्नाइट करेगा इंजन में जाके फिर जो है स्टार्ट करेगा। ये देखिए आइसोप्रोपाइल थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसमें, इतना मात्रा काफ़ी रहेगा। और अब डालेंगे स्टिंग, यहाँ पे जो है अब डालेंगे स्टिंग, ये देखिए सारा स्टिंग डाल देते हैं और देखते हैं चलता है कि नहीं हमारा बाइक। तो स्टिंग पूरा डल चुका है, अब जो है हम चला के देखने वाले हैं स्टिंग से हमारा बाइक चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ देखिए ऑयल भी जो है खोल देते हैं, यहाँ पे नीचे खुल गया है और अब गाड़ी चलाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं स्टिंग से चलता है कि नहीं। गाइज अब जो है स्टिंग डाल दिए हैं, अब जो है गाड़ी को स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं, स्टार्ट होता है कि नहीं देखते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा स्टार्ट जो है पकड़ गया है, देखते हैं गाड़ी जो है चल पाता है कि नहीं हमारा। ये देखिए स्टिंग पे जो है गाड़ी आराम से चल रहा है, देखिए कुछ नहीं है और स्टिंग से गाड़ी जो है इजीली चल रहा है। अब थोड़ा दूर जो है चला के दिखाते हैं आपको चलता है कि नहीं बढ़िया से। तो गाइस यहां पे देखिए सारा स्टिंग जो है अब निकाल दे रहे हैं हम, स्टिंग पे जो है हमारा बाइक इजीली से चल गया। तो गाइज अब जो है स्प्राइट डालते हैं, स्टिंग पे अच्छा से चला था अब जो है स्प्राइट डाल रहे हैं, ये देखिए सारा स्प्राइट जो है इसमें डाल देते हैं। तो ये सारा स्प्राइट गया बाइक में, अब जो है थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल डाल देते हैं इसके साथ भी, ये देखिए आइसोप्रोपाइल थोड़ा सा डालते हैं। स्प्राइट पे लग नहीं रहा है चलेगा क्योंकि स्टार्ट ही नहीं पकड़ रहा है, जैसे स्टिंग में एक बार में ही पकड़ लिया था लेकिन इस पे जो है नहीं पकड़ रहा है।
देखिए तेल भी ऑन है, इसमें जो है स्प्राइट जा रहा है इजीली, फिर भी जो है हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्प्राइट यहाँ से सारा जो है निकाल देते हैं फटाफट से। हम सब डालते हैं कोको कोला, अब देखते हैं इससे चल पाता है कि नहीं। इसमें सबसे ज्यादा अल्कोहल का परसेंटेज रहता है, तो सबसे पहले जो है थोड़ा बहुत जो है ये आइसोप्रोपाइल जो 95% अल्कोहल कंटेन करता है ये डालते हैं। ये डाल दिए, अब जो है इसमें हम सब का जो है पूरा जो है बोतल डाल देते हैं। ये देखिए इसमें भी खतरनाक रहता है, देखते हैं इससे चलता है कि नहीं हमारा गाड़ी। अब फटाफट से जो है स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं हमारा गाड़ी। स्टार्ट तो पक रहा था, देखते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा से नहीं चला था। देखिए तेल भी ऑन है, अभी स्टार्ट एकदम पकड़ लिया था एक बार में ही। ये देखिए पकड़ने का कोशिश तो कर रहा है लेकिन बंद हो जा रहा है। अब जो है देखिए स्टार्ट पकड़ लिया, चलिए आइए बैठिए और देखते हैं थोड़ा दूर चला के कैसा लगता है चलाने में। अभी कोको कोला में अच्छा अल्कोहल रहता है। ये देखिए बहुत बढ़िया से चल रहा है गाइस। अभी सारा जो है हम थम्सअप निकाल दे रहे हैं जो भी डाले हुए थे अपने बाइक में, और थम्सअप पे जो है सबसे बढ़िया गाड़ी चला है। थोड़ा लग रहा था कि कभी कभी बंद हो जाएगा, लेकिन जो है एकदम बढ़िया तरीका से चला। स्टिंग पे भी अच्छा ही चल रहा था, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा पावर नहीं पता चल रहा था, जब एक्सीलेटर दे रहे थे तो बंद हो रहा था। तो अभी सारा जो है यहाँ पे थम्सअप निकाल रहे हैं, उसके बाद जो है हम ये एपी फीस डालेंगे। तो गाइस अब जो है हम एपी फीस डाल के देखते हैं एपी फीस पे चल पाता है कि नहीं चल पाता है हमारा बाइक जो है अभी तक जो है। तो गाइज अब जो है एपी फीस डाल के देखते हैं अपने बाइक में, इससे देखते हैं चल पाता है कि नहीं हमारा बाइक। तो यहाँ पे जो है एपी फीस डाल दे रहे हैं, ये देखिए ये रहा सारा एपी फीस हमारे टैंकी में गया। और यहाँ पे देखिए पाइप लगा दिए हैं फ्यूल का, और इसको जो है ऑन भी कर देते हैं। और इसमें थोड़ा जो आइसोप्रोपाइल डाल देते हैं, ये देखिए ये चले गया। अब जो है चला के देखते हैं हमारा बाइक चलता है कि नहीं। तो गाइस फ्यूज डालने के बाद जो है हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है एकदम, ये देखिए। तो अब जो है हैरान हो चुके हैं, लेकिन हो नहीं रहा है स्टार्ट। इधर देखिए तेल भी ऑन है, फिर भी जो है गाड़ी नहीं चल रहा था, स्टार्ट हो रहा था। गाइज हमने अपने बाइक में अलग अलग कोल्ड ड्रिंक ट्राई किए, जिसमें स्प्राइट था, थम्सअप था, फीज था और स्टिंग था। ये चार कोल्ड ड्रिंक ट्राई किए, और जिसमें से जो है हमारा बाइक चला है थम्सअप पे बहुत अच्छे तरीका से और स्टिंग पे। बाकी हमको उम्मीद था कि स्प्राइट से भी चलेगा।